नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, ग्रहों के राजा सूरज देव 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। चैत्र विशाख में सूर्य देव मीन राशि से अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करते हैं और इस समय पृथ्वी सूर्य के निकट जाती है और ताप बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य देव को सब ग्रहों में से विशेष स्थान मिला हुआ है। सृष्टि के सर्जन में सूर्य की विशेष महत्ता है। सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है। दोस्तों, उदय के समय सबको सुख ताजगी देने वाले सूरज देव को ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य की आत्मा स्वभाव आरोग्यता, सूरज की किरणों से रोग दूर होते हैं, इसलिए इन्हें आरोग्यदाता भी कहते हैं। राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता, परोपकारी, कठोर, सत्याभाषी, स्वार्थ त्यागी, दूरदर्शी, शत्रुओं को अपने बुद्धिबल से परास्त करने वाले प्रतापी सूर्य देव को ऐसे ही कई महत्वपूर्ण चीजों के कारक बतलाया गया है। आओ दोस्तों, देखते हैं दूसरी राशियों पर उच्च के सूर्य देव का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्क राशि की। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, 14 अप्रैल से 15 मई तक उच्च के सूर्य देव आपकी चंद्र कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, दशम भाव कुंडली का सबसे शक्तिशाली भाव होता है और वहां पर विराजमान होंगे शक्तिशाली सूरज देव। दशम भाव में सूरज देव का बल और बढ़ जाता है। कर्क राशि वालों के लिए सूरज देव धन भाव के भी स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी का उच्च के होकर दशम भाव में स्थित होना आपके लिए और भी लाभदायक हो जाता है। सूरज देव के दशम भाव पर इस प्रभाव के कारण आपको अपने पिता, सरकार, राज्य, व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, धन, प्रभाव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। प्रमोशन की वेट करने वालों की वेट खत्म होगी और उच्च पद की प्राप्ति होगी। सूर्य देव के इस गोचर में आपका प्रतिष्ठित लोगों, उच्च अधिकारियों और राजनीतिज्ञों से मेलजोल और मित्रता बढ़ेगी। मेरे कर्क राशि वाले वह दोस्त जिनका खाने पीने का काम है, रेस्टोरेंट इत्यादि, उन्हें अपने व्यवसाय से धन लाभ और सरकारी सहयोग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सूरज देव सातवीं नीच दृष्टि से अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि में चतुर्थ भाव को देखते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका अपनी माता से मनमुटाव, घर में मन उदास और घरेलू सुख शांति में कमी आ सकती है। इसलिए आप आगे बताए गए सूरज देव का उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस ग्रह गोचर का और शुभ फल पाने के लिए रविवार वाले दिन सुबह शक्कर गुड़ मिश्रित जल सूरज देव को अर्पित करें और बंदरों की सेवा करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।